नमस्कार दोस्तों, एकेवी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज एक छोटा सा चीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे, ये है आयरन दोस्तों, लाइट वेट आयरन है। बहुत लोगों को ये खोलने का भी पता नहीं है कैसे खोलते हैं, लेकिन मैं अभी खोल दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीन तार होता है, तीनों तार को हमें पहले खोल लेना। खोलने से पहले अगर आप इस तार को चेक करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपका आयरन गर्म नहीं होता तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मीटर को कंटिन्यूटी में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब लगाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से चेक कीजिएगा तो मीटर बीप देगा। तो हमें क्या करना है, तीनों वायर को पहले हमें चेक करना है अपने प्लग से। तो यहाँ पे एक वायर को रखेंगे मीटर के प्रोब को, और दूसरा हम देखिए, यानी कि ये वाला वायर ठीक है, फिर ये चेक करेंगे, ये वाला भी वायर ठीक है, और अर्थिंग हमारा जो है वो भी ठीक है। तो फॉल्ट क्या है दोस्तों, फॉल्ट हमारा कॉइल में हो सकता है या तो ये रेगुलेटर में हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। तो वायर को हमने खोल लिया है, ये देखिए ठीक है, वायर हमारा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब इस आयरन को हमें खोलना है, तो खोलेंगे कैसे दोस्तों, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये लॉक है, ठीक है। इसे आपको इस तरह से उठाना है तो ये अपने आप ये खुल जाएगा, देखिए ये खुल गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है दोस्तों, इस स्क्रू को खोलना है। अब ये ऐसे नहीं खुलेगा जब तक ये नहीं खुलेगा, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे भी खोल सकते हैं, वो अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसे देखते ये खुलता है कि नहीं, ये तो ऐसे खोल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले खोलेंगे, ठीक है, इसके नोब को यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से आपको इस तरह से लगाना है और इसे निकाल लेना है। लीजिए ये हो गया, स्प्रिंग भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये अभी भी खुल नहीं रहा दोस्तों। तो हम देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से उठाना है और पीछे की तरफ धक्का देके हमें खोलना है, सॉरी आगे की तरफ धक्का देना है दोस्तों, इस तरह से, ये देखिए ठीक है, इस तरह से ये खुल गया। अब क्या करेंगे, इसका जो प्लास्टिक है दोस्तों, इसे भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब देखिए इसका प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो थर्मोस्टेट होता है दोस्तों, उसी में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अभी क्या करेंगे, ये वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं, मुझे तो पता है इसलिए हम निकाल दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप जब निकालिएगा इस वायर को तो थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा वायर कहाँ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये वाला लाल वाला जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, लाल वाला वायर थर्मोस्टेट में गया, ठीक है। थर्मोस्टेट से होता हुआ ये वायर यहाँ पे आया है, ये देखिए ये यहाँ, ठीक है। तो हमें पहले थर्मोस्टेट से हमें यहाँ तक चेक करना है कि थर्मोस्टेट हमारा सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने मीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी में लगाएंगे और यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज नहीं बता रहा, ठीक है ना, वोल्टेज नहीं मतलब मीटर हमारा कुछ भी नहीं बता रहा। और कॉइल को अगर चेक करते हैं, तो कॉइल देखिए हमारा एक यहाँ है और एक यहाँ वायर है, तो कॉइल को भी पहले चेक कर लेते हैं। तो कॉइल देखिए हमारा सही है दोस्तों, कॉइल बता रहा, लेकिन यहाँ जब हम मीटर का प्रोब को रखते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे नहीं बताता, यानी कि थर्मोस्टेट जो है हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा दोस्तों। देखिए नीचे वाला वर्क कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये शायद काम करना चालू कर दे, अभी भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पे इस थर्मोस्टेट को खोल कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमने थर्मोस्टेट को हमने खोल लिया है, और इसमें देखिए ये थर्मोस्टेट में डबल थर्मोस्टेट है दोस्तों। एक देखिए स्विच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए ठीक है, एक ये है और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये दो स्विच है दोस्तों। तो इसे हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कौन सा स्विच हमारा काम नहीं कर रहा है। एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, और दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, और देखते हैं ये शो करता है कि नहीं हमारा वोल्टेज, इसमें तो शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है वोल्टेज, और यहाँ पे शो कर देखते हैं कि आता है कि नहीं वोल्टेज। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा वोल्टेज जो है यहाँ तक आ चुका है, ये देखिए ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारा सही है और इसमें नहीं आ रहा दोस्तों। तो यहाँ पे जब जब हम इसे थर्मोस्टेट को लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक पिन है, पिन जब इस तरह से होता है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्विच जो है आपस में टच हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पिन है दोस्तों, इस पिन को थोड़ा सा अच्छी तरह से यहाँ पे साफ कर देंगे, घिसने से क्या होगा, इसका जो पॉइंट है दोस्तों वो पॉइंट इसका क्लीन हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक तरफ हो गया, अब ऊपर वाले को भी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मीटर से फिर से इसे चेक करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है और दूसरा यहाँ पे रखना है ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं, देखिए ठीक है काम कर रहा है, अब ये हमारा सही हो गया। अब हम इसे लगा कर चेक करेंगे, और ये दोनों को हम यहाँ पे लगा कर चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है, ये देखिए कट गया, ये देखिए आ गया, ये कट गया, मीटर अच्छा सा लग नहीं रहा दोस्तों, ये देखिएगा ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया दोस्तों, अब हम इसे टाइट कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से फिर आप इसे टाइट भी कर सकते हैं।